तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों आज की जो दोस्तों ये मैं वीडियो लेके आया हूँ ना, ये मैं दोस्तों अपने व्यूअर्स की डिमांड पर लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स मुझसे ये चाह रहे थे कि मैं कुछ फार्म हाउस की वीडियो लेकर आऊँ जो कि दिल्ली के पास पड़े, नोएडा के पास पड़े। ऐसे में दोस्तों कुछ व्यूअर्स मेरे चाह रहे थे, उनकी डिमांड थी कि मैं फार्म हाउस की वीडियो लेकर आऊँ। तो ऐसे दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ फार्म हाउस की। दोस्तों ये जो फार्म हाउस आप कह सकते हैं 150 के बिल्कुल नियरेस्ट ही दोस्तों ये फार्म हाउस है। लोकेशन की दोस्तों अगर बात करें, ये आपका पड़ता है हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। दोस्तों ये आपका फार्म हाउस बनता है जहाँ पर आपकी सेम डे में यहाँ पर आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, आपकी म्यूटेशन हो जाती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप रजिस्ट्री वाला फार्म हाउस लेना चाहते हैं जो कि आपके दिल्ली से पास है, गुड़गांव के पास है, नोएडा से लगा हुआ है, सेक्टर 150 की लोकेशन है, तो यहाँ पर आके आप अपना फार्म हाउस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको एक दिखाते हैं अपना फार्म हाउस। दोस्तों ये एक फार्म हाउस जो हमारे क्लाइंट ने लिया हुआ, दोस्तों कितना प्यारा यहाँ पर व्यू आपको देखने को मिल रहा है। इवनिंग का समय, सनसेट का यहाँ पर आपको व्यू देखने को मिल जाता है। बहुत ही शानदार लोकेशन है, प्यारी लोकेशन है, फार्म हाउस ही फार्म हाउस दोस्तों यहाँ पर बने हुए हैं। 1000 स्क्वायर यार्ड के, 2000 स्क्वायर यार्ड के यहाँ पर फार्म हाउस आपके बने हुए हैं। ये दोस्तों आप जो फार्म हाउस देख रहे हैं ये करीब आपका 2500 स्क्वायर यार्ड में दोस्तों फार्म हाउस बना हुआ है। जिसने भी यहाँ पर लिया था उन्होंने यहाँ पर फार्म हाउस बना के यहाँ पर रेडी किया हुआ, आप देखते हैं। तो काफ़ी प्यारा ये लोकेशन है, काफ़ी शानदार तरीके से इस फार्म हाउस को डिज़ाइन किया गया है। लास्ट में दोस्तों आपके यहाँ पर फार्म हाउस हैं विद स्विमिंग पूल के साथ, यहाँ पर साइड में आपका स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। और ये जो आप फार्म हाउस देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कंसेप्ट दोस्तों ये रहता है कि आप 30% इसको डेवलप कर सकते हैं, 70% आपको ग्रीनरी एरिया यहाँ पर आपको छोड़ना ही पड़ता है। ये दोस्तों आप देखें 70% आपका यहाँ पर कम से कम ग्रीनरी एरिया है, साइड में साथ ही आपका एंट्री गेट है, यहाँ पर एक छोटी सी हट भी बनी हुई है स्टे करने के लिए, बैठने के लिए। और बहुत ही प्यारा दोस्तों शानदार ये फार्म हाउस बनाया गया है। वीकेंड पर यहाँ पर पार्टीज़ होती हैं, किसी की मैरिज फंक्शन है या एनिवर्सरी फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन है, वो दोस्तों यहाँ पर होते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इन फार्म हाउस की, दोस्तों जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सेक्टर 150 की लोकेशन है, दिल्ली से आपका मुश्किल से 30 किलोमीटर आपका पड़ता है, डिस्टेंस पड़ता है, गुड़गांव से भी दोस्तों आप पास में पड़ता है। तो ऐसे में अगर कोई भी यहाँ पर फार्म हाउस लेना चाहते हैं तो आप फार्म हाउस ले सकते हैं। ये अभी दोस्तों मैं आपको जो फार्म हाउस दिखा रहा हूँ करीब 250 बीघे में ये आपका फार्म हाउस बना हुआ है, जहाँ पर आपका ये स्विमिंग पूल है, जिसमें आपका किड्स के लिए भी आपको एक छोटा सा साइड में स्विमिंग पूल बनाया गया है। ये आपका यहाँ पर एक छोटा सा स्टे करने के लिए आपका घर भी बनाया गया है। और ये दोस्तों काफ़ी अच्छी लोकेशन पर फार्म हाउस है, सेक्टर 150 के पास ही फार्म हाउस है। अगर दोस्तों फार्म हाउस की यहाँ पर आप और बात करें तो ये जो फार्म हाउस है दोस्तों पूरा गेटेड साइट के अंदर ये फार्म हाउस है, मतलब यहाँ पर 30 फुट की दोस्तों मेन रोड है, क्लब हाउस इसी फार्म हाउस की अंदर है। दोस्तों रोड साइड आपको ग्रीनरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, CCTV कैमरा लगे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा है, गेटेड साइट के दोस्तों ये फार्म हाउस है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, मोर देन 50 फार्म हाउस यहाँ पर डेवलप है। और जो रेंटल आपको दोस्तों बात करें तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये यहाँ पर वीक का रेंटल आता है। तो दोस्तों अभी ये वाला जो फार्म हाउस मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही प्यारा ये फार्म हाउस है, जो कि आपका करीब 1 बीघे में बना हुआ है। लेफ्ट साइड में इसके एक पूल बना हुआ है जहाँ पर छोटा सा फाउंटेन भी है। लास्ट वीक दोस्तों ये फार्म हाउस आपका रेंट पर उठा हुआ था, 25 हज़ार रुपये इसका रेंट था करीब, तो अभी इसकी साफ सफाई हो गई। चलिए आपको आगे दिखाते हैं फार्म हाउस। तो काफ़ी छोटा फार्म हाउस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको मेंटेन जो किया गया है, ग्रीनरी इसके अंदर की जो की गई है, इसके अंदर की जो प्लांटिंग की गई है या लाइटिंग जो लगाई गई है बहुत ही प्यारी लगाई गई है। दोस्तों आप भी यहाँ पर अपना फार्म हाउस ले सकते हैं, खुद भी डेवलप करवा सकते हैं, कंपनी से भी डेवलप करवा सकते हैं। अशोका फार्म हाउस है दोस्तों ये पूरा आपका प्रोजेक्ट है, जहाँ पर आपका ये फार्म हाउस बन रहे हैं, आप देख सकते हैं ये फार्म हाउस यहाँ पर बना हुआ है, बहुत ही शानदार ये फार्म हाउस है, सेक्टर 150 के दोस्तों पास में ये फार्म हाउस है। प्राइस के दोस्तों अगर बात करें मात्र 3950 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से यहाँ पर फार्म हाउस आपका स्टार्ट हो जाता है, और 500 रुपये यहाँ पर अदर चार्जेस हैं। तो ये मान के चलिए अगर यहाँ पर फार्म हाउस लेते हैं तो करीब आपका 47 से 48 से 49 लाख में आपका यहाँ पर फार्म हाउस आपको मिल जाता है करीब 1 बीघे का। तो इससे अच्छा दोस्तों आपको रेंटल इनकम कहीं नहीं मिलेगा, आपका फार्म हाउस का आपका फार्म हाउस बना रहता है एवरी वीक, यहाँ पर आपको रेंट पर भी आपको इसको दे सकते हैं, पार्टी है, कुछ बर्थडे पार्टी है या मैरिज है, कुछ भी है, आप एवरी वीक इसको रेंट भेजते हैं, 25 से 30 हज़ार यहाँ पर इसका रेंटल आराम से आ जाता है। और सपोज़ कभी आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो कभी भी अपना आ सकते हैं, यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, बच्चे भी दोस्तों आप आपके आराम से खेल सकते हैं, क्रिकेट्स प्ले एरिया भी यहाँ पर आपका बना हुआ है। ये फार्म हाउस दोस्तों आप देख रहे हैं ये आपका फार्म हाउस वाली लैंड है। चलिए आपको दिखाते हैं क्लब हाउस, यहाँ पर क्लब हाउस भी बना हुआ है, आप देखेंगे ये क्लब हाउस है, यहाँ पर आप दिन में आइए अपना फूड या स्नैक्स भी आप लेना चाहते हैं अपना स्टे कीजिए, यहाँ पर चेयर्स पड़ी हुई हैं, अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आपका छोटे से आपके हट बनाए हुए हैं। तो ये आपका दोस्तों क्लब हाउस बना हुआ है इसी लोकेशन के अंदर। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं क्लब हाउस।
दोस्तों इवनिंग का समय है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइटें जल गई हैं अभी और हल्का हल्का अंधेरा भी यहाँ पर होने लगा है। दोस्तों ये फार्म हाउस की बात करें, बहुत ही प्यारा तरीके से इस फार्म हाउस को बनाया गया, मतलब ये मांग चलिए यहाँ पर आपके बच्चों के खेलने के लिए आपके यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं, ओपन जिम यहाँ पर बना हुआ है, बैठने के लिए यहाँ पर स्टेयर्स लगी हुई हैं, स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं आगे साइड में जो घर सा बना हुआ है वहाँ पर स्विमिंग पूल भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे में आप यहाँ पर पार्टी कर सकते हैं, फुल इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, बैचलर पार्टी, कोई सी भी पार्टी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों इस फार्म हाउस को दोस्तों अगर आप लेते हैं यहाँ पर बनवाते हैं तो आपको रेंटल इनकम भी अच्छा आ जाता है, मतलब ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए अच्छा और रेंटल इनकम के लिए भी बहुत अच्छा फार्म हाउस आपको बनाया गया। तो ऐसे में दोस्तों अगर किसी भी भाई को यहाँ पर फार्म हाउस लेना हो या विजिट करना हो तो नीचे के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये लोकेशन है आपका, दिल्ली से दोस्तों करीब 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, नोएडा से बिल्कुल लगा हुआ है, सट्टे 150 की रेस्ट की लोकेशन है। सेम डे पर आपके यहाँ पर रेस्टी है, मोटेशन है, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर दोस्तों ये लोकेशन आती है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर किसी भाई को यहाँ पर विजिट करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद। ग्राहक कोई भी प्लॉट, फ्लैट या संपत्ति और कोई अन्य उत्पाद खरीदने से पहले कृपया सभी दस्तावेजों को ध्यान से देखें और अपनी समझ का इस्तेमाल करें, किसी के बहकावे में न आएं। किसी भी तरह के नुकसान, धोखाधड़ी, हानि और लाभ के लिए हमारी प्रॉपर्टी एडवाइजर NCR की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप अपनी समझ और सूझबूझ से ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी एडवाइजर NCR कुलदीप किसी भी तरह के लाभ हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद।